हे गाइस, आईक्यू की तरफ से आईक्यू नियो 8 का ऑफिशियल लॉन्च डेट एंड इसका स्पेसिफिकेशन जो है ना वो निकल के आ चुका है, लीक्ड होके आ चुका है। जो दोस्तों इसका लॉन्च डेट है वो भाई कंफर्म है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसका जो स्पेसिफिकेशन है ना वो भाई लीक होके आ चुका है, जो गाइस आगे आपके साथ शेयर करने वाला है। इसका स्पेसिफिकेशन, इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट एंड इसका प्राइसिंग क्या होने वाला है एंड ये कब तक इंडिया में आ सकता है वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इसी आईक्यू नियो 8 प्रो के बारे में। तो गाइस ज्यादा बातें नहीं करके वीडियो बनाने से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका एक झलक देख लेते थे भाई कैसा फ़ोन होने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ आने वाला है भाई। पिछले जो डिज़ाइन था ना भाई आईक्यू नियो 7 का, सेम टू सेम वही डिज़ाइन ही इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा कैमरा बम्प को बड़ा कर दिया है। इस बार 2 कैमरा मिलेंगे आपको, 3 कैमरा नहीं मिलेंगे। साथ में आपको LED फ्लैश मिल जाएंगे, सामने पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अच्छे बेजल्स बहुत ही कम है एंड थीन है, चीन भी बहुत ही कम है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भाई डिज़ाइन वगैरह, अच्छा है वही डिज़ाइन को फॉलो अप किया जा रहा है इधर भी, ठीक है। तो इस कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ आने वाला है, साथ में इसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले। तो ऐसा 6.78 इंच का एक 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी जरूर से मिलेंगे भाई एंड इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल ही जाएंगे। साथ में HDR को तो सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भाई इसका प्राइसिंग अच्छे खासे होने वाला है। प्राइसिंग क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे, तो भाई लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले इस फोन के प्रोसेसर, जो गाइस बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर लगाया जा रहा है। इसमें आपको मिलेंगे MediaTek की तरफ से प्रोसेसर आते हैं भाई, MediaTek Dimensity 9200 प्लस वाला प्रोसेसर इधर यूज किया जा रहा है, जो गाइस MediaTek तरफ से फ्लैगशिप प्रोसेसर है ये। एंड इसका जो Antutu निकल के आ रहा है ना भाई, तबाही भाई, 13 लाख के ऊपर इसका Antutu निकल के आ रहा है। तो गाइस आप सोच सकते हो कितने अच्छे ये आपको परफॉर्मेंस निकल के दे देंगे एंड गेमिंग तो भाई आप मस्त मस्त कर सकते हो, कोई भी लैग इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलेंगे एंड डेली टैक्स तो भैया इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस कुछ बहुत ही अच्छे इधर आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फोन की कैमरा। तो इस कैमरा पीछे आपको 2 ही मिलेंगे, बट एक ही कैमरा इधर निकल के आ रहा है, जो गाइस 50 MP का मेन कैमरा होने वाला है, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेंगे एंड इसमें जो सेंसर लगाया जाएगा बहुत ही अच्छे सेंसर, फ्लैगशिप सेंसर लगाया जा रहा है सोनी की तरफ से आता है, सोनी IMX866B एंड बहुत ही कमाल के फोटोज आप इससे खींच पाएंगे। साथ में इसमें आपको V1 chip भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है फोटोज़ खींचने के लिए, ठीक है। तो गाइस बहुत ही अच्छे फोटोज़ इधर निकल के आ सकता है, बहुत ही कमाल के वीडियोज़ भी इस फोन से आप कर पाएंगे। साथ में इसमें आपको जो सेल्फी मिलेंगे भाई 16 MP का एक मिडिल पंच होल सेल्फी कैमरे के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 120W का फास्ट चार्जिंग के साथ ये आने वाला है, जो कि बहुत ही जल्दी आपके बैटरी को भी चार्ज कर डालेंगे। एंड इसमें आपको टाइप पोर्ट मिलेंगे, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेंगे एंड एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको मिल जाएंगे। और गाइस इस फोन में आपको मिलेंगे डुअल स्पीकर का सपोर्ट एंड वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका मेन हाइलाइटेड फीचर्स। अभी हम बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग। तो दोस्तों प्राइसिंग के ऊपर बात कर लेते, तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है मेरे हिसाब से, मेरे एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस प्राइस में भी ये आ सकता है। मेरे हिसाब से इसका प्राइसिंग 35,000 to 40,000 के अंदर इंडिया में आएंगे, इंडिया में 35,000 to 40,000 के बीच में इसका प्राइसिंग हो सकता है, बट ये कोई कंफर्म प्राइसिंग नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपेक्ट है कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे आ सकता है। बट देखा जाएगा जब भी इसका ऑफिशियल कुछ निकल के आ जाएंगे इंडिया के लिए, आपको जरूर से बताएंगे। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों एक लाइक भी कर सकते हो अपने भाई के लिए। तो दोस्तों ये था इसका प्राइसिंग, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग। अभी हम बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट। तो गाइज इधर जो आईक्यू है ना भाई, 2 डिवाइस इधर लॉन्च करने वाला है, एक है आईक्यू नियो 8 प्रो, 8 सीरीज आप बोल सकते हो, इसमें आपको 2 फोन भी देखने के लिए मिल सकता है, बट अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जस्ट आईक्यू नियो 8 प्रो का ही निकल के आ रहा है। आगे दिखा जाएगा, कुछ भी ऑफिशियल निकल के आ जाएंगे आपको जरूर से बताएंगे, इसलिए भाई चैनल को जरूर से फॉलो अप करते रहिए। एंड साथ में आपको 8 प्रो तो निकल के आ रहा है, 8 प्रो लॉन्च होंगे, साथ में आईक्यू पैड भी इधर लॉन्च होने वाला है एंड ये लॉन्च होने वाला है 23 May को, ये लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली चाइना में लॉन्च होंगे। अभी तो भाई चाइना में ही आने वाले सबसे पहले एंड बाद में ये इंडिया में डेफिनेटली 100% डेफिनेटली ये आने वाला है एंड बहुत ही जल्दी ये इंडिया में भी आ सकता है। बट अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन, मतलब कन्फर्मेशन, कोई भी डेट वगैरह निकल के नहीं आ रहा है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे आपको जरूर से बताएंगे, इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छे लगे तो उसे एक लाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही इन्फॉर्मेशन था आईकू नियो 8 प्रो के बारे में, कैसा लगा फोन, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, क्या भाई इस फोन के लिए आप वेट करेंगे या फिर नहीं, वो भी आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। एंड ऐसे वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसे एक लाइक कर देना। तो गाइस चलते मिलते हैं नेक्स्ट और एक कमाल की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।